कुई और भरे कुई, ये कहावत तो आपने सुनी होगी, लेकिन ये कहावत असल जिंदगी में कोतवाली थाना अंतर्गत सिद्ध हुई है, जहां तेज रफ्तार से गाड़ी चलाने जैसे मामूली विवाद को लेकर दो लोगों में कहा सुनी हुई, जिसका खामियाजा किसी और को भुगतना पड़ा। इस संबंध में पुलिस उपायुक्त लोहित मतानी ने अधिक जानकारी साझा की। कोतवाली पुलिस थाना अंतर्गत रविवार रात 11:30 बजे के दरमियान चुने शुक्रवारी चौक में आरोपी लक्ष्मण दशरथ हिरवाड़ी उर्फ बबलिया ये तेज गति से गाड़ी चला रहा था। इस बात को लेकर मृतक के दोस्त आदर्श समुद्री, अक्षय और योगेश इनकी आरोपी के साथ कहा सुनी हुई, जिसका रूपांतर हाथापाई में हुआ। इस दौरान बस्ती के लोगों के बीच बचाव के कारण वह झगड़ा वही खत्म हो गया। हालांकि इसके बाद आदर्श समुद्री ने आरोपी के दोस्त अंकेश साहू को फोन कर बताया कि तुम्हारा मित्र हमारे इलाके में तेज रफ्तार से गाड़ी चलाता है, जिसके बाद अंकेश साहू ने समुद्र को भोला गणेश चौक पे बुलाया, जहां मुख्य आरोपी बबलिया और योगेश का झगड़ा हुआ। इसके बाद आदर्श समुद्री योगेश के घर गया उसे ढूंढने के लिए, जिस दौरान उसे योगेश घर पर नहीं मिला, लेकिन इस बीच घर पर योगेश का छोटा भाई रोहित काड़े मिला, जिसके साथ आदर्श ने हाथापाई की और वहां से चले गए। इसका पता मृतक सैफ अली उर्फ शाहरुख शौकत अली उम्र 26 साल तुलसीबाग निवासी को पता चला, जिसके बाद शाहरुख ने बबलिया को फोन किया, जिस दौरान बबलिया ने उसे गणेश नगर चौक में बुलाया, जहां मृतक अकेला गया। यहां आरोपी लक्ष्मण हिरवाड़ी उर्फ बबलिया, विनायक स्कोप, पंटी जैस, आर के पटेल इनके साथ मृतक की बहस हुई, जिसका रूपांतर मारपीट में हुआ, और इसी दौरान बबलिया ने धारदार शस्त्र से, वही बाकी आरोपियों ने बाजू में पड़े सीमेंट के पत्थरों से मृतक पर हमला किया व उसे मौत की घाट उतारा। इसी बीच अपने भाई योगेश को ढूंढने गए रोहित काड़े ने देखा कि आरोपियों ने शाहरुख को धारदार शस्त्र और पत्थरों से वार कर मौत की घाट उतार रहे थे। इस संदर्भ में पुलिस उपायुक्त लोहित मतानी ने अधिक जानकारी साझा की। काल रात्रि गणेश नगर कोतवाली पुलिस स्टेशन अंतर्गत मध्ये एका युवक ज्याचं नाव शाहरुख आहे त्यांची हत्या झालेली आहे। त्याची हत्यामध्ये चार लोकांचा नाव निष्पन्न झालेला आहे। ते सर्व लोक नंदनवनचे राहणार आहे। त्यांचे जे कारण आतापर्यंत निष्पन्न झालेला आहे ते जे वन ऑफ द अक्यूज आहे ते मोटरसायकल फास्ट स्पीडमध्ये चालत होता आणि त्यामुळे त्यांचा ते वाद झाला होता। मृतकाचे मित्रापासून त्यांचा वाद झाला होता आणि मृतकाने वन ऑफ द अक्यूज त्यांना त्यांनी कॉल केला होता आणि त्या रागावरून जे अक्यूज आहे त्यांनी मृतकाला त्यांनी धारदार शस्त्राने मारून पोटावर आणि सरवर मारून त्यांनी त्यांचे मर्डर केलेला आहे। आतापर्यंत 3 आरोपी अटक झालेला आहे आणि 1 आरोपी फरार आहे। यामध्ये काही दुसरे आरोपी पण होऊ शकत आहे। आम्ही ते CCTV फुटेज जे आहे ते शोधत आहे आणि त्यामधून आम्ही ते कन्फर्म करणार आहे। यामध्ये जे मृतक आहे त्यांचा काही रेकॉर्ड नाही आहे आणि जे आरोपी आहे ते आरोपीमध्ये जे बाबले आहे त्यांचा रेकॉर्ड आहे, त्यांचा 363 गुन्हा आहे आणि त्यांच्यावरही 324 गुन्हा पण आहे। इस पूरे मामले में रोहित की भूमिका संशयास्पद है, जिसके बारे में पुलिस द्वारा कार्रवाई की जा रही है। हालांकि इस मामले में पुलिस ने अब तक 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है व आगे की जांच जारी है। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ दिशा हटवार, BCN न्यूज़, नागपुर।